अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखसाना सलामत। आप देख रहे हैं टीवी 99 न्यूज़। यहां पर आपको बताएं, रावण तबलीगी इज्तमा में सिलेंडर धमाका हुआ है, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रावण तबलीगी इज्तमा में ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको तबी इमदाद दी जा रही है। रावण तबलीगी इज्तमा में सिलेंडर धमाका हुआ है। सिलेंडर धमाका इज्तमा में हुआ है और बहावलपुर हल्का में ये हुआ है। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। रायमन तबलीगी इज्तमा में धमाका हुआ है। बहावलपुर कैंप जो लगाया गया था, इसमें खाना बनाने वाली जगह पर सिलेंडर रखा हुआ था और सिलेंडर फटने के बाईस 3 अफराद इसमें जख्मी हो गए और 2 की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। तीनों जख्मियों को जो रायमन अस्पताल हेडक्वार्टर वहां मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। मुल्क भर से रावण तबलीगी इज्तमा में लोगों ने शिरकत की, मगर जब ये धमाका हुआ तो इसमें कैंप के साथ ही खाना पकाने के लिए जगह मुख्तस की गई थी। खाना बनाने के लिए इन तीनों लोगों के अलावा और लोग भी मौजूद थे, मगर वो थोड़े साइड पर मौजूद थे, इसलिए इन तीनों के अलावा कोई जख्मी नहीं हुआ। अभी तक जो इत्तला'आत मौसूल हुई हैं, इनमें 3 लोग ही जख्मी हुए हैं सिलेंडर धमाके में, क्योंकि ये खाना पकाने में और खाने की चीज़ों को लाने में मसरूफ थे, जिसकी वजह से ये सिलेंडर धमाका हुआ। 3 अफराद सिलेंडर धमाके की जद में आकर जख्मी हो गए। इनमें से 2 अफराद की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है।